वही मिलेगा, अगर नया करेंगे तो नया मिलने के चांस है। इसलिए हमारे जो बच्चे और बच्चियां दोनों को हम अच्छे से अच्छे उच्च शिक्षा में भेजें। केवल डॉक्टर इंजीनियर वकील इनसे काम नहीं चल रहा, आज हमारे डॉक्टर इंजीनियर भरपूर मात्रा में है लड़के और लड़कियां, मगर क्या हम हमारे बच्चों को बड़ी हायर एजुकेशन चाहे वो आरएस बनाकर आईएएस बनाकर जब तक हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोई भी समाज हो प्रधान सरपंच एमएलए सांसद गिने चुने दो पांच लोग बनते हैं, मगर जब हमारा बच्चा और बच्ची आरएस और आईएएस बनेगा, जब वो जयपुर में बैठेगा, जब वो दिल्ली में बैठेगा, जब वो कोटा जैसे शहर में महानगर में बैठेगा, तो हमारे समाज का कोई भी किसी भी गांव का आदमी जाएगा तो सबसे पहले हमारा धाकर समाज का जो अधिकारी बैठा होगा उसका काम होगा और उसी दिन हमारे समाज का उत्थान होगा। इसलिए आप अपने बच्चे और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं लिखाएं, उनको होशियार करें, और जो बच्चे पढ़ लिख जाएं वो अपने समाज को नहीं भूले, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कर्ज होता है माता पिता का, परिवार का, समाज का और देश का होता है। इसलिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, धाकर समाज भी आगे बढ़ रहा है, और आपने 108 नागर चाल ने जो इतना अच्छा भव्य आयोजन किया है और हम सब लोगों का जो मान और सम्मान किया है, जो आयोजक कमेटी है, आप आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे। आप सब लोगों ने जो मुझे यहाँ पर मान और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धरणीधर, जय धाकर समाज।